पेशवा किसे बनना चाहिए? हमारे मन में तो एक ही नाम है, बालाजी के ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव बल्लाड भट्ट। बाजीराव जब बालक ही थे तो उन्होंने अकेले मुगलों के खेमे में घुसकर उनका बारूद उड़ा दिया था और युद्ध में अपने पिता के साथ मात्र 40 मराठियों को लेकर 4,000 की सेना को परास्त किया था। मातोश्री को वापस लाने की मुहिम में बालाजी बुरी तरह घायल हो गए थे, तब बाजीराव अकेले ही शत्रु के किले में घुसकर मातोश्री को वापस ले आए। वो महलों में बैठकर रणनीति बनाने वाले कर्मचारी नहीं है, वो तो मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर युद्ध करने वाले वीर हैं। वीरता और प्रतिबद्धता की एक मशाल का नाम है बाजीराव। आज पूरे मराठी साम्राज्य में सेना से लेकर जनता तक को एक सूत्र में बांधने वाला नाम है बाजीराव। तो फिर उनके होते हुए शाहू महाराज किसी और को पेशवा बनाने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? क्योंकि पेशवा को तलवार के साथ साथ तर्क का भी धनी होना पड़ता है। युद्ध में उनके वार का भय हो और दरबार में उनकी वाणी का। बाजीराव की वीरता तो सबने देखी है, पर अभी तक उन्हें अपनी राजनीति दिखाने का अवसर नहीं मिला। एक बार वो अपने आप को राजनीतिज्ञ सिद्ध कर दें तो फिर उन्हें पेशवा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमारा एक काम करेंगी मस्तानी? बाजीराव ने अपने पिता को खोया, आप हमारी ओर से उन्हें एक सांत्वना पत्र लिख देंगी? जी पिताजी। हमारा प्रतिशोध अधूरा रह गया मासा, हैं? यदि विवाह हो जाता तो मस्तानी को समझ में आता एक मर्द की मर्दानगी को ठेस पहुंचाने का क्या परिणाम होता है, पर सब सब बर्बाद हो गया मासा। यदि मस्तानी महल से दूर चली जाती तो लोग हमारी वीरता पर लगा कलंक भूल जाते और फिर से सब कहते महावीर जगत राज की जय, महावीर जगत राज की जय। सपने देखना बंद कीजिए और वास्तविकता पर ध्यान दीजिए जगत राज। मस्तानी इस टूटे हुए रिश्ते का लाभ उठाकर महाराज के निकट आने का प्रयास कर रही हैं। हमने मस्तानी और उनकी माँ को महाराज से दूर रखने में अपना सारा जीवन लगा दिया है। अब हम उन्हें पास आने नहीं दे सकते, उनकी नजदीकियों पर वार करना होगा राजकुमार। आप चिंता ना करें मासा, हम जानते हैं मस्तानी की लगाम कैसे खींचनी है। आपने हमारे नाम का प्रस्ताव भी रखा और प्रशंसा भी की, परंतु प्रश्न तो ये है कि क्या इतना सब सुनने के बाद शाहू महाराज के मन से बाजीराव का मोह जाएगा? क्या महाराज के मन में बसा हुआ बाजीराव के प्रति विश्वास समाप्त होगा? गंगाधर जी, विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं, तोड़ने में केवल एक पल, और विश्वास दोबारा बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि आप इस चतुर की चतुराई पर विश्वास कीजिए। हमने ऐसी चाल चली है जो ये सुनिश्चित कर देगी कि शाहू महाराज बाजीराव से अधिक विश्वास आप पर करें। हम राव की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करेंगे। और क्या है राव की सबसे बड़ी कमजोरी?
उनका परिवार। एक नौका जो बड़े से बड़े तूफान को हरा सकती है, वही नौका अंदर के एक छोटे से छेद से हार सकती है। हम राव को अंदर से वार करेंगे। आप देखिएगा कि कैसे राव का परिवार ही उसे हराएगा। राव बाहर आइए। राव बाहर आओ। बाहर आओ। राव बाहर आइए। राव बाहर आइए। राव बाहर आइए। मोहनरा भाऊजी, आप इन बाहर वालों के साथ? हम आपसे नहीं, बाजीराव से बात करने आए चिम्मा जी। बात ही करनी होती तो अकेले आते, सबको लाकर तमाशा खड़ा नहीं करते। तमाशा होता है तो तमाशा ही सही। राव, हम सब वो साहूकार है जिन्होंने स्वर्गीय पेशवा साहिब के कहने पर शाहू जी के युद्ध अभियान पे धन दिया था। आप जानते हैं हम सबका ऋण कितना है? एक वर्ष में जितना कर इकट्ठा होता है उसका 8 गुना। स्वर्गीय पेशवा साहब ने स्वयं हमसे कहा था, मुगलों द्वारा जीती गई धनराशि राजकोष में जमा की जाएगी और उसी धनराशि में से वे हमारा धन धीरे धीरे करके सूद सहित वापस करेंगे। हमें पेशवा साहब पे तो पूरा भरोसा था, लेकिन उनके जाने के बाद पता नहीं हम अपना धन दोबारा देख पाएंगे कि नहीं। पिता का वचन निभाना पुत्र की जिम्मेदारी होती है। अब हम यहाँ से तभी जाएंगे राव, जब आप हमारा धन वापस लौटा देंगे। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। आपने हमारे सुल्तान को मार दिया। वो सिर्फ हमारा घोड़ा नहीं था, हमारा दोस्त था, हमारा साथी था। पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मस्तानी साहिबा, आपका सुल्तान पागल हो गया था। अगर ऐसी ही बात थी तो आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? हमने मना किया था। वो घोड़ा आपको बहुत प्रिय था तो आप उसे कष्ट में नहीं देख पाते, और आप हमें बहुत प्रिय है, हम आपको कष्ट में नहीं देख पाते। प्रेम यदि अधिक हो तो बिछड़ने का दुख भी अधिक होता है, इसलिए आपको अपने प्रियजनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो काका जू के पास आने के प्रयास में बाकी सब आपसे दूर हो जाएं। आपने सुल्तान को मार डाला, उस बेजुबान जानवर ने आपका क्या बिगाड़ा था भाई साहब? आपको कष्ट में देखकर मन ठंडा हो गया। काश हम उसे फिर से जीवित करते और फिर से मार सकते। भाई साहब, हमारे सामने आवाज उठाने का साहस कैसे हुआ आपका? मूल और सूद लेके जाएंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप व्यापारी है, आपको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी धनराशि वापस देने में समय लगता है। हम अपना समय देने नहीं, आपसे अपना धन लेने आए हैं। हम आप सभी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन यदि हमें हमारा धन नहीं मिला तो हमें विवश होकर
आपके घर में प्रवेश कर आपकी संपत्ति और आभूषणों को जब्त कर ऋण वसूल करना होगा। मत भूलिए कि अब ये पेशवा साहब का घर नहीं है। आई साहब, ये पुराने पेशवा साहब का घर है और होने वाले पेशवा साहब का भी, और ये होने वाले पेशवा बाजीराव पल्लार फटकी खींची हुई लकीर है। यदि किसी ने लकीर लांगने की कोशिश की तो बाजीराव अपनी मर्यादा लांग जाएगा। अभी बिजली आकाश में कड़क रही है, यदि किसी ने लकीर लांगी तो सर पर भी गिरेगी सेठ जी। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। राव, आप हमें इस तरह डरा नहीं सकते। हम आपसे बात कर रहे राव, ये मत समझेगा कि आप हमारी बहन के पति हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। बिल्कुल मत छोड़िएगा मोहन राव जी, मैं तो चाहता हूँ आप आगे बढ़े। आइए, बाजीराव का लंगोटिया गोटिया आपका स्वागत करता है, आइए। गोटिया बहू, आपको पता है अगर मोहन राव जी ने ये सीमा लांग दी तो उनका क्या होगा? क्या होगा? अगले महीने पंडित जी के पुत्र का विवाह वैद्य जी के पुत्री के साथ है, वो बहुत धूमधाम से होगा। वो कैसे? अरे जब पंडित जी इतने सारे धनी मानी लोगों का श्राद्ध कराएंगे और वैद्य जी बाकी के बचे कुछ लोगों की हड्डियां जोड़ेंगे तो दोनों को कितना धन मिलेगा, तो विवाह तो धूमधाम से होगा ही ना, क्यों सेठ जी? बस 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 लोटे बाबू, हमें लगता है बात इनके समझ में आ गई है। और यदि अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप में से कोई महावीर आए आए और इस लकीर को पार करे, सबके समझ में आ जाएगा। एक को सजा मिलेगी और बाकी को सबक। आइए। भाई साहब, हम मात्र अपना अधिकार अपना धन मांगने आए जो हमें स्वयं स्वर्गीय पेशवा साहब ने लौटाने का वचन दिया था। पिता का दिया हुआ वचन पुत्र अवश्य पूरा करेगा मोहन राव जी। मोहन राव जी, हमारे बेटे को पिता का वचन याद दिलाने के लिए यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भाई साहब, अब आप पेशविन भाई नहीं है कि आने जाने के लिए हमें आपके आदेश की आवश्यकता पड़े। संभल कर!
बाजीराव बल्लाड भट्ट की आई से बात करे, यदि जबान फिसली तो बाजीराव की तलवार फिसल जाएगी। बाजीराव की मां और मिट्टी का जो सम्मान नहीं करता उसकी जीवन रेखा। राव, छोटी हो जाती है। हमारा आत्मसम्मान इतना कमजोर नहीं किसी के शब्दों से घायल हो जाए। मेरी आई पेशविन बाई नहीं रही, पर होने वाले पेशवा की आई जरूर है। बाजीराव ना किसी का हक छीनता है ना अपना हक छोड़ता है। मेरे पेशवा बनते ही आप सबको अपना धन सूद समय वापस मिल जाएगा, समझ लो। आपको विश्वास है कि आप पेशवा बनेंगे? यह निर्णय शाहू जी महाराज का है, आपका नहीं। और अगर आप पेशवा नहीं बने तो मस्तानी। बाबा साहब आप समय पर आ गए, नहीं तो आज मस्तानी हमारी बोटी बोटी कर डालती। पिताजी, वार भाई सा ने किया था, हमने बस अपनी हिफाजत के लिए उनकी तलवार ले ली। बाबा साहब, भला हम अपनी छोटी बहन पे वार क्यों करेंगे? ये तो हमने इनको रोते हुए देखा तो पूछने चले, आखिर क्या बात है? भाई साहब झूठ बोल रहे पिताजी, हमने इनकी मर्जी के लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए हमें सजा देने के लिए इन्होंने हमारे घोड़े सुल्तान को मार डाला। झूठ, एक और झूठ। बाबा साहब मस्तानी कहानियां बना रही है, भला हमें इनके घोड़े से क्या काम? हमें तो लगता है कि इन्होंने आपसे सहानुभूति के लिए स्वयं अपने घोड़े को मार दिया होगा। सबसे पहले इन्होंने हमारे चुने हुए लड़के द्विजेंद्र के खिलाफ झूठी बातें फैलाई, आपको अपने पुराने विश्वस्त सरदार के विरुद्ध कर दिया, और अभी यहां हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। महाराज देखिए इसे, हाथ में तलवार, चेहरे पे गुस्सा, भला सताए हुए लोग ऐसे तो नहीं दिखते। पिताजी, भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। सोना होता तो हम इसे झूठ भी मान लेते, परंतु हमने जो अपनी आंखों से देखा है उसे झूठ कैसे मान ले? आज तक हम में और मुगलों में एक ही अंतर था, हमारी संतानें शत्रु पर हथियार उठाती थी, एक दूसरे पर नहीं। आज अपने भाई साहब पर तलवार उठाकर आपने वो अंतर भी मिटा दिया। संसार में दो तरीके के लोग होते हैं भाव, एक जो इतिहास बनाते हैं और दूसरे इतिहास बनते देख तालियां बजाते हैं। वो भाव बाजीराव बल्लाड़ भट्ट इतिहास बनते हुए देखता नहीं, स्वयं इतिहास बनाता है। मैं जो एक बार कहता हूं वो 100 बार के बराबर होता है, और कह चुका हूं आप लोगों को आपका मूल और सूद दोनों मिल जाएगा। ये बात यहीं समाप्त नहीं होगी राव, हम स्वयं जाएंगे शाहू महाराज जी के दरबार पर और उनसे कहेंगे कि स्वर्गीय पेशवा साहब ने हमसे कितना ऋण लिया था, और उन्हें यह भी बताएंगे कि आपने हमें किस तरह डराया और धमकाया। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूं, दिखाऊं?
हमारे भाव के कारण इन्हें और हमारे परिवार को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। हम इस विषय में आई और मौसी से बात करेंगे, वो भाव को अवश्य रोकेंगे। ताई साहब, आप ऐसा करेंगे तो और कुछ हो या ना हो, पर राव के स्वाभिमान को ठेस अवश्य पहुंचेगी।